स्वागत है दोस्तों लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था देवर, पत्नी ने देख लिया, फिर पति ने गर्भवती वाइफ को गन्ने के खेत में ले जाकर। पुलिस महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी इस तरह की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला झारखंड के सरायकेला की है। खेत से 4 महीने की गर्भवती महिला की लाश बरामद की गई है। आरोप है कि महिला की हत्या उसके पति ने की है। महिला की पहचान संगीता प्रधान के रूप में हुई है। घटना थाना क्षेत्र अंतर्गत पांड्रा पंचायत के हेसा गांव की मंगलवार देर रात की है। पति आमिर प्रधान ने अपने ससुर चक्रधरपुर पंसुवा गांव निवासी धर्मू प्रधान को सूचना दी कि संगीता का जला हुआ शव घर से कुछ दूरी पर खेत में मिला है। ये खबर सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मृतका के पिता ने बताया कि बेटी की शादी इस साल 29 मार्च को आमिर प्रधान के साथ की गई थी। इसमें 50,000 रुपये का घरेलू सामान दिया गया था, लेकिन बेटी को मोटरसाइकिल लाने के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच बेटी को आमिर और उसकी भाभी के अवैध संबंधों की जानकारी मिल गई। आनन फानन घरवाले मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सरायकेला थाने में आमिर प्रधान और उसकी भाभी पार्वती प्रधान के खिलाफ बेटी को जलाकर मारने की शिकायत दर्ज कराई। कहा कि एक दिन बेटी ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसके बाद आमिर ने खेत में ले जाकर संगीता की हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए गर्भवती बेटी के कपड़े उतारकर आग के हवाले कर दिया गया है। इसमें उसकी भाभी भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।